लास्ट लेक्चर में हमने जो ड्यूटीज हैं, जो फंक्शंस हैं ग्राम पंचायत के, वो कंप्लीट कर लिए थे, ये 20 पॉइंट्स तक, ठीक है। आज जो नया हमने करना है, ग्राम पंचायत के जो भी रेवेन्यू के सोर्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इनको टैक्सेस वगैरह कहाँ से आते हैं, तो ग्राम पंचायत के पास इतनी पावर होती है कि वो टैक्स भी इम्पोज कर सकते हैं। इम्पोज मतलब लगा सकते हैं इसके ऊपर, जैसे लैंड होती है, बिल्डिंग विद इन लोकल लिमिट्स, जो भी ग्राम पंचायत के एरिया में बिल्डिंग्स आती हैं ये उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, या टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट अदर देन एग्रीकल्चर। कोई भी प्रोफेशन जो इनके एरिया में पड़ता हो उसके ऊपर ये टैक्स लगा सकते हैं। किसी तरह का व्यापार हो या कोई भी ऐसी जॉब जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई ना हो डायरेक्टली, या एग्रीकल्चर ना मतलब ना हो, उसमें ये टैक्स लगा सकते हैं। और इसमें इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि इनकी जो टेरिटरी है बस उन्हीं दायरे में रहते हुए ये इस चीज का ख्याल रखते हैं कि बस वहीं तक ये टैक्स लगा सकते हैं। दूसरी, उसके बाद जो दूसरी ग्राम पंचायत है उनकी टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है। देन अगर ड्यूटी भी लगा सकते हैं, ड्यूटी इम्पोज कर सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम के। देन हम बात करेंगे फीस एंड रेट्स। तो ग्राम पंचायत जो होती है कौन कौन सी फीस लगा सकती है, कलेक्ट कर सकती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, तो जो भी व्हीकल्स होते हैं उसको, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस ये कलेक्ट कर सकते हैं। देन सैनिटरी अरेंजमेंट, जो भी साफ सफाई के साथ जुड़े हुए काम होते हैं, तो और जैसे कोई पूजा पाठ होता है, कोई धार्मिक स्थान पे होता है, तो उससे कुछ पर्टिकुलर फीस होती है ये ले सकते हैं। देन वाटर रेट ये अपने एरिया में फिक्स कर सकते हैं फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए जो होता है उसके लिए एक फिक्स अमाउंट ये हर एक घर से ले सकते हैं। जो सिंचाई सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल होता है उसके लिए ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ले सकते हैं। देन लाइटनिंग रेट और लाइटनिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स, तो गलियों में आपको पता है कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वो भी इनके इनके द्वारा ही देखी जाती है, तो उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ये पे करने को लोगों को बोल सकते हैं। देन हम आगे करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ग्राम पंचायत। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है वो भी ग्राम पंचायत को मिलती है। वो कहाँ से मिलती है? ग्राम पंचायत रिसीव ग्रांट इन एड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो सरकार के अलग अलग खाते होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के भी। जो ग्राम पंचायत है इनको स्टेट गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से इनको ग्रांट मिलती है, यानी कि पैसा आता है इनको, जो इन्होंने अपने ग्राम पंचायत के एरिया की डेवलपमेंट के लिए खर्च करना होता है। पावर ऑफ ग्राम पंचायत टू बोरो, तो क्या खरीदने की इनके पास पावर होती है उसके बारे में बात की जा रही है। विद द सेंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मे बोरो मनी फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंक्शन। जो भी इनके एरिया की डेवलपमेंट होती है, विकास होता है और लोक भलाई के जो भी कार्य होते हैं उसके लिए ये मतलब पैसा उधार ले सकते हैं। पोजीशन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो होती है उसकी पोजीशन क्या है, क्या एक्चुअली में उनकी ड्यूटीज है, कहाँ पर उसको रखा जाता है जो पंचायती राज एक्ट है उसमें। तो जो पंजाब पंजाब पंचायती राज एक्ट है 1994 वाला, उसमें देखो इनको काफी इफेक्टिव पोजीशन, पावरफुल पोजीशन इनको दी गई है। जो ग्राम पंचायत होती है ये मतलब फिक्स टेन्यूर इनका होता है, 5 साल अपना काम करती है, और जब इनके इलेक्शंस होते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए, इन्होंने अपना 5 साल का जो टेन्यूर है उसको कंप्लीट होने से पहले ही करवाना होता है। और जो इलेक्शंस होते हैं वो करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से। चुनाव आयोग जो होता है हर एक स्टेट का अपना अपना, वो ग्राम पंचायत के इलेक्शन करवाता है, ये उनकी ड्यूटी होती है। और याद रखना इनके जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और ग्राम पंचायत में आपको सीट्स की रिजर्वेशन भी देखने को मिलती है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट हो गई उनकी कुछ सीट्स रिजर्व होंगी, और शेड्यूल्ड कास्ट की जो विमेन होती हैं उनकी भी सीट्स रिजर्व होती हैं। फिर ओवरऑल जब विमेन है उनकी भी टोटल में से 1/3 सीट्स रिजर्व होती हैं, बैकवर्ड क्लास है उसके लिए भी सीट्स रिजर्व होती हैं। यानी कि कोशिश की जाती है कि हर एक सेक्शन को ग्राम पंचायत का मेंबर बनाया जाए। मोर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द ग्राम पंचायत, और इस चीज का भी ख्याल रखा गया है पंजाब पंचायती राज एक्ट में कि
1904 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था कि जो ग्राम पंचायत है अब इनके पास कंपैरेटिवली प्रीवियस एक्ट जो थे उसके मुकाबले अब इनके पास जो रेवेन्यू के जो पावर्स हैं वो अब ज्यादा है। जैसे पावर की अगर बात करें या फंक्शंस की बात करें तो इनके कंपैरेटिवली अर्लियर एक्ट्स अब इनके पास ज्यादा पावर्स है। तो ये सारा इनको पंजाब पंचायती राज जो एक्ट जो है 94 उससे इनको सारा कुछ मिला है। तो हम कह सकते हैं कि काफी पावरफुल अब बॉडी कंपेयर टू अर्लियर टाइम देखने को मिलती है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे जो पंजाब पंचायती राज का पार्ट 3 जो है पंचायत समिति। पंचायत समिति, तो पंचायत समिति की बात भी हमारे जो पंजाब पंचायती राज एक्ट है 1994 उसमें ही की गई है। सबसे पहले इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है जिसमें लिखा है कि रूरल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। जो एक डिस्ट्रिक्ट का एक जिले का जो रूरल एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र पेंडू एरिया जो होता है उसको काफी आगे ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और इसी ब्लॉक को हम पंचायत समिति का नाम देते हैं। आप इसको ब्लॉक भी बोल सकते हो और पंचायत समिति भी बोल सकते हो। आगे हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत समिति यानी कि किन किन से मिलके पंचायत समिति बनती है। तो सबसे पहले 6 to 10 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर। तो यहाँ पे हम बात करें डायरेक्टली इलेक्टेड यानी कि जिनके डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं। एक होता है ना नॉमिनेट जिनका नामांकन होता है और दूसरी तरफ होता है इलेक्शन। तो इनके इलेक्शन देखने को मिलते हैं ये 6 to 10 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर। तो ये जो 6 to 10 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। फर्स्टली फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन पंचायत समिति एरिया इज डिवाइडेड इनटू मेनी सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इलेक्शंस के लिए एक जो रूरल एरिया है एक डिस्ट्रिक्ट का उसको सिंगल मेंबर टेरिटरी में आगे डिवाइड किया जाता है जिसके ऊपर हमें डायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। 1 member every 15,000 population, तो 15,000 के ऊपर हमें 1% देखने को मिलता है जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ता है। इन अ पंचायत समिति हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट एक्सीडिंग 90,000 शेल बी अ मिनिमम ऑफ 6 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर। तो जहां पर आप पॉपुलेशन 90,000 देखोगे वहां पर आपको 6 इलेक्टेड मेंबर देखने को मिलेंगे। तो 15,000 के पीछे 1 member और 90 आप आइडियल लगा सकते हो 6 member बनते हैं। समिति हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1,50,000 इन अ पंचायत समिति हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1,50,000 मेंबर शैल नॉट एक्सीड 10। तो अगर कहीं पे जो पॉपुलेशन है वो 1,50,000 से ऊपर है तो वो मेंबर है वहां पे 10 से ऊपर नहीं हो सकते। इस चीज का ख्याल रखा जाता है ब्लॉक में। देन उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सरपंच। तो जो सरपंच होते हैं ग्राम पंचायत के उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत। ये किन में से चुने जाते हैं जो सरपंच होते हैं ग्राम पंचायत के ये उन्हीं में से कुछ को चुना जाता है। ये भी पंजाब पंचायती राज एक्ट 94 में लिखा गया है। और इनकी जो रेशो होती है रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किए वो होंगे 60:4। तो जो इधर से पंचायत की तरफ से आएंगे वो होंगे 4 यानी कि 60% होंगे आपके इलेक्टेड और 40% आपके होंगे जो सरपंच होंगे उनकी तरफ से। थर्ड पॉइंट है मेंबर्स ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। विधानसभा यानी कि जहां पर हमारे एमएलए बैठते हैं ये उसकी बात की जा रही है। विल बी अ मेंबर, ध्यान से सुनना, विल बी अ मेंबर जो हमारे एमएलए होते हैं वो मेंबर होंगे ऑफ दैट पंचायत समिति इन होज एरिया मेजर पोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉल। तो अगर मान लो कोई एमएलए है जिस पर्टिकुलर एरिया से वो आ रहा है तो अगर उस एरिया से कोई ब्लॉक है तो वो उसका मेंबर होगा। नेक्स्ट है डी मेंबर ऑफ द पंचायत
पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जैसे हमारी पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में आपको लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलती है, ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके भी जो विधानसभा है उसको हम बोल सकते हैं लोकसभा, और जो राज्यसभा है उसके कंपैरेटिवली कुछ स्टेट्स में हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है, विधान परिषद हमें देखने को मिलती है। मगर क्योंकि पंजाब में विधान परिषद नहीं है तो इसीलिए उनकी तरफ से कोई भी मेंबर हमें देखने को नहीं मिलता। तो यानी कि सिर्फ इधर से टी वाले सेक्शन पॉइंट में से आपको मेंबर देखने को मिलेंगे, डी तो हमारे पंजाब में है ही नहीं, हमारे पंजाब में पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। देन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ पंचायत समिति। तो पंचायत समिति में आपको रिजर्वेशन देखने को मिलती है, कुछ सीट रिजर्व होती हैं कुछ पर्सन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट ए की, शेड्यूल्ड कास्ट। तो शेड्यूल्ड कास्ट की जो सीट होती है वो भी कुछ पंचायत समिति के मेंबर्स के लिए रिजर्व होंगी। इन पंचायत इन एवरी पंचायत समिति सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट सेम प्रोपोर्शन टू द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। तो जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं पॉइंट में ए में जो हमने पीछे डिस्कस किया था, यहाँ पे 6 to 10, अगर मान लो 6 है तो यहाँ पे कितना बोला है सेम प्रोपोर्शन, तो मतलब 3 मेंबर हमें देखने को मिलेंगे शेड्यूल्ड कास्ट की तरफ से, सेम प्रोपोर्शन टू दैट टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन की जो सेम नंबर है उतने हमें मेंबर देखने को मिलेंगे शेड्यूल्ड कास्ट की तरफ से एज अ पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन द पंचायत समिति। जो पंचायत समिति एक्चुअली जो एरिया होता है ना एरिया, उस एरिया में शेड्यूल्ड कास्ट के कितने लोग रहते हैं उसी के अकॉर्डिंगली इनको सीट्स दी जाती हैं। और जो ये जो सीट्स इनको मिलती है पंचायत समिति की, ये ऐसे नहीं होता कि एक बार जो फिक्स हो गई शेड्यूल्ड कास्ट के लिए वो हमेशा उन्हीं के लिए रिजर्व रहेगी, ये एक्चुअली रोटेट करती है। अगर मान लो 10 पंचायत समिति है तो ये जो सीट रिजर्व होंगी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए वो रिजर्व करेंगी। हो सकता है जो पहली बार 2015 में इलेक्शन हुए उसमें रिजर्वेशन सीट्स 1, 2, 3 सीट के लिए हो, अगली बार जब होंगे 2020 में तब जो रिजर्वेशन होगी वो 4, 5, 6 सीट्स के लिए रिजर्व होंगी। ऐसे करके जो रिजर्वेशन होती है सीट्स की वो हर साल चेंज होता है, हर हर इलेक्शन में चेंज होती है। देन आगे है शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट तो हमने बोला है कि उनको रिजर्वेशन दी जाती है, मगर साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सीट रिजर्व की हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल 3 सीट रिजर्व है उनके लिए, तो पंचायत समिति में अगर उनके लिए 3 सीट रिजर्व है तो उन 3 में से कम एक बोला है नॉट लेस देन 1/3, तो कम से कम 1/3 जो टोटल सीट होंगी रिजर्व शेड्यूल्ड कास्ट के लिए उनमें से एक सीट जो होगी वो विमेन को दी जाएगी। और उसके बाद विमेन, ये ओवरऑल हम औरतों की बात करते हैं उस पंचायत समिति की, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत समिति आर रिजर्व फॉर विमेन। तो जो पंचायत समिति के जो चुनाव होते हैं उसमें जैसे मान लो पंचायत समिति में एग्जाम्पल के तौर पे अगर वहां पे 9 सीट्स हैं तो 9 में से 1/3 सीट जो होंगी वो ओवरऑल जो विमेन होंगी, इसमें ये पर्टिकुलरली ये नहीं बोला जा रहा कि शेड्यूल्ड का, यानी कि इसमें ओवरऑल किसी भी कम्युनिटी की किसी भी तरफ से हमें औरतें देखने को मिलेंगी और वो सीट्स 1/3 पंचायत समिति की विमेन के लिए रिजर्व होती हैं। सच सीट्स में भी अलॉटेड बाय रोटेशन। तो यहाँ पे भी आपको रोटेशन देखने को मिलती है कि जो हर बार जो हल्का होता है जो रिजर्व सीट्स का औरतों का वो चेंज होता रहता है। देन इट मे बी एडेड दैट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट आर इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन। तो जो रिजर्व थी शेड्यूल्ड कास्ट की सीट्स उसमें से 1/3 औरतों के लिए थी और ओवरऑल जो सीट्स हैं उसमें से भी 1/3 सीट विमेन के लिए आपको रिजर्व देखने को मिलेंगी। इसमें जो रिजर्वेशन है औरतों की रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट और ओवरऑल जो विमेन की रिजर्वेशन है इन सभी को इकट्ठे कर दिया जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि जो विमेन जो रिजर्व होंगी शेड्यूल्ड कास्ट की उनको अलग से मतलब सीट मिलेगी और जो ओवरऑल विमेन की सीट होंगी उनको अलग से मिलेगी, ऐसे नहीं होता। देन आगे हम देखेंगे कि बैकवर्ड क्लास जो होती है उनकी भी रिजर्वेशन होती है, 1 सीट इज रिजर्व, याद रखना 1 सीट लिखा है कितने पे, और बैकवर्ड क्लास इन अ पंचायत समिति इन विच पॉपुलेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इज नॉट लेस देन 20%।
तो अगर उस एरिया में जहां पर ब्लॉक समिति देखने को हमें मिलेगी, अगर वहां पर पॉपुलेशन 1/5 बैकवर्ड क्लास की है, तो उनके लिए भी सीट एक रिजर्व कर दी जाएगी। तो यहीं पे हम आज लेक्चर अपना कंप्लीट करते हैं, ठीक।